जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि तिहाड़ जेल में भी सत्येंद्र जैन को विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। गृहमंत्री ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ईडी ने अदालत को बताया था कि सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या जेल में भी सत्येंद्र जैन को खास सुविधाएं मिल रही हैं? क्या सत्येंद्र जैन के लिए जेल सजा नहीं मजा की जगह है? क्या दिल्ली के मंत्री जेल के सेल में भी मसाज करवा रहे हैं? जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आरोप है कि तिहाड़ के अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। सूत्रों की माने तो सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पूछा है कि क्या सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। दरअसल ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ा सारा डेटा एमएचए को दिया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 मई से जेल में है। कुछ दिनों पहले ईडी ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट को सीसीटीवी भी सौंपी थी। तिहाड़ जेल में ही सत्येंद्र जैन बंद है। पिछले दिनों ईडी ने दिल्ली की अदालत में हलफनामा दायर करके खुलासा किया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में तमाम सुख सुविधाएं मिल रही है। वो बॉडी मसाज करा रहे हैं। जो को अक्यूज्ड है उनसे भी लगातार तिहाड़ जेल में उनकी मुलाकात हो रही है। ईडी ने तिहाड़ जेल का सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली की अदालत में दिखाया था। उसके बाद बवाल मच गया था। ईडी के खुलासे के बाद सियासत भी फुल स्पीड में है। बुधवार को बीजेपी के नेता तजिंदर पाल बग्गा ने तिहाड़ के बाहर पोस्टर लगवा दिया और केजरीवाल पर निशाना साध लिया। हमारे दिल्ली के सीएम बहुत अच्छे आदमी है जी, उन्होंने आज स्टार्टअप शुरू किया है जी, तिहाड़ जेल के अंदर मसाज सेंटर खोल दिया है जी। लेकिन हम तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे ना जी, तो ये सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना जी। तो इसलिए हमने तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर लगा दिया जी, ताकि आम आदमी भी फ्री मसाज ले सके जी। सत्येंद्र जैन पर जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी उगाही का आरोप लगाया है। सुकेश के आरोपों पर भी सियासत सुलग रही है और दिल्ली के सीएम पर जेल में बंद मंत्री को हटाने का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सत्येंद्र जैन तमाम आरोपों और सियासी हंगामे के बीच अभी तक मंत्री पद पर बने हुए हैं। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।